दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका YouTube चैनल अमेजिंग ज्ञान में। दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति, ये एपिसोड तो आप देखते ही होंगे और लगभग इसका 11वां सीजन आने ही वाला है। और दोस्तों आज आपको इस वीडियो में आपको इस एपिसोड के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताने वाला हूँ। आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जैसे कि इस शो में होस्ट करने के लिए बच्चन जी कितना चार्ज लेते हैं, साथ ही दोस्तों इसमें जो बच्चन जी जो क्वेश्चन पूछते हैं क्या उनके सवालों के जवाब उनको पहले ही पता होते हैं, साथ ही दोस्तों KBC के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, और दोस्तों जो जीती रकम जो जीती जाती है क्या वो सभी के सभी रकम कॉन्टेस्टेंट को दी जाती है या उसमें कोई काट छाट की जाती है। तो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों इस कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड की शुरुआत 2000 में हुई थी और लगभग इसके 10 सीज़न हो चुके हैं और सभी सीज़न को बच्चन जी ने ही होस्ट किया है। सिर्फ जो सीज़न 3 था वहाँ पर शाहरुख खान जी थे होस्ट करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम सवाल लेते हैं कि कंटेस्टेंट्स जो प्राइज जीतते हैं क्या उनको सभी रकम दी जाती है या उनमें कोई काट छाट की जाती है। देखिए दोस्तों अगर आप टैक्स के लायक रकम जीतते हो तो दोस्तों टैक्स के एक्ट के अनुसार आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 करोड़ जीतते हैं तो दोस्तों आपको उस पर लगभग 30% टैक्स लगता है, साथ ही दोस्तों 15% सरचार्ज लगता है और 3% सेस लगता है। देखिए अगर आप 50 लाख जीतते हो तो दोस्तों देखिए टैक्स के अनुसार आपको 30% तो टैक्स लगेगा ही और 10% सरचार्ज और 3% सेस लगता है। तो दोस्तों अगर आप 5 करोड़ जीतते हैं तो लगभग आपके हाथ में 3.5 करोड़ रुपये आते हैं। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टैक्स पे आपको करना पड़ता है, यानी आप जो भी रकम जीतते हो तो दोस्तों टैक्स एक्ट के अनुसार ही आपको पे करना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी ऑनलाइन लॉटरी जीतते हो, कोई भी प्रकार की लॉटरी जीतते हो, कोई भी प्रकार की प्राइज़ जीतते हो तो दोस्तों आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों अगला सवाल है कि KBC के पास इतना पैसा आता कहाँ से। देखिए दोस्तों KBC एक ऐसा शो है जो ज़्यादा TRP वाला शो कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में जितने भी एपिसोड्स है जो ज़्यादा TRP वाले एपिसोड्स है उनमें से एक KBC शो है। और दोस्तों इस शो को सबसे ज़्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट से आता है। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स होते हैं उनको एडवर्टाइज दिखाने के लिए, इस शो के दौरान एडवर्टाइज दिखाने के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट देनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों इस एपिसोड का TRP बहुत ही ज़्यादा है, तो दोस्तों ये जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा चार्जेस लगाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड को बहुत ही ज़्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट के जरिए मिलता है, साथ ही दोस्तों इनको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। जैसे कि दोस्तों जो पिछला सीज़न हो चुका था वहाँ पर जियो ने स्पॉन्सरशिप के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए लगाए थे। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग स्पॉन्सरशिप उनको मिलती है, साथ ही दोस्तों इसके इंटीग्रेटेड ब्रांड्स भी होते हैं, तो बहुत सारे तरीके से उनको पैसा मिलता है। तो दोस्तों सोर्स के मुताबिक ऐसे बताया जाता है कि इस एपिसोड के दौरान सिर्फ 10 सेकंड के एडवर्टाइज दिखाने के लिए एडवर्टाइजर को लगभग 3.5 लाख रुपए चार्ज लगते हैं। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस एपिसोड की कितनी कमाई हो सकती है। अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चन जी जो सवाल पूछते हैं क्या उन सभी सवालों के जवाब बच्चन जी को पता होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बच्चन जी को भी उन सवालों के जवाब नहीं दिखाए जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया जाता है। अगर दोस्तों बच्चन जी को खुद के नॉलेज के भरोसे उसका आंसर पता भी हो सकता है, लेकिन बच्चन जी को भी वहाँ पर आंसर नहीं दिखाया जाता है। जब तक कंटेस्टेंट आंसर नहीं बताता है तब तक वहाँ पर जो रियल आंसर होता है उसको नहीं दिखाया जाता है। और दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है, बच्चन जी इस शो के लिए, इस एपिसोड के लिए कितना चार्ज लेते हैं। देखिए दोस्तों पहले सीजन में तो बच्चन जी लगभग एक एपिसोड के लिए यानी कि पर डे 2 करोड़ रुपये लेते थे। अभी तो 10 सीज़न हो चुका है, अब 11वां सीज़न भी आ रहा है, तो लगभग दोस्तों बच्चन जी 2.5 से 3 करोड़ रुपए एक एपिसोड के लिए लेते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सही नए नॉलेजेबल वीडियोज आप लोग रोज आने कराता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।